हम लोग कहने लगे हैं दीदा, क्योंकि अम्मी राजा घर में बेटी घर गई है बाजार, अब तक आई नहीं है, इतना लेट हो गया। घर में बनी थी आज ये गिल की तरोई बोलते हैं इसको, और रोटी। हम लोग सब यहाँ पे बैठ के अपना अपना खाना खाने में लगे हुए हैं, सब एक साथ ये सब खा रहे हैं। मैं अपने जल्दी फिनिश कर दिया और खाओ, ये कोई टाइम होता है घर आने का? आठ नहीं मिले, पता है चौक के चौराहा से नूरी कलेक्शन स्टेशन की है तो पैदल। तो कॉल क्यों नहीं किया, हमने बोला था ना ड्राइवर भेजेंगे अम्मी। ये लोग खाना खा चुके, अब इन लोगों को निकाल के दे रहे हैं। अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाया था आज आप लोगों ने, बच्चों को हम सबको मजा आ गया। पूरी, हाँ पूरी, आलू की सब्जी भी और हलवा भी, केले, लेकिन केले थोड़े कम थे। हमने हलवा खाया और ये खा रहे हैं केक, आलू, एक कबाब, तरू। अम्मी सब मुझे पूछ रहे थे वहाँ पे, सब पूछ रहे थे बेटा, इतने पूछो इनसे, पूरे रास्ता पर पूछो, सबक आए सब यही है। नूरी कलेक्शन वाले दुपट्टा लिए ना, सबक अब आएगी वहाँ पे। क्या और अल्लाह ऐसे इबादत करने वालों की दुआ भी कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख माय चैनल अली नरेक्शन। बात कीजिए सबा इब्राहिम की। सबा इब्राहिम प्रेगनेंसी में अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हैं, और ये बात सच है कि प्रेगनेंसी में डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और वही सबा कर रही हैं। सबा के लिए काफ़ी लोग दुआएं भी कर रहे हैं, सबा के बेबी के लिए आप लोग भी दुआएं करें। सबा का कहना है कि फैंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं और कमेंट और ईमेल के जरिए मुझे हिम्मत भी दिला रहे हैं, जिन्हें देख कर मुझे हिम्मत मिल रही है। अगर किसी को दिलासा देना, हिम्मत दिलानी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जो फैन सबा का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। सबा को फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सबा है ही ऐसी। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।